बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार। नए मंत्रियों में बीजेपी को जगह नहीं, जेडीयू नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। जेडीयू के नीरज कुमार, श्याम रजक, बीमा भारती और नरेंद्र नारायण यादव बनेंगे मंत्री। 11 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। जय श्री राम के नारे पर टीएमसी और बीजेपी में घमासान तेज। ममता बनर्जी के खिलाफ जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल करेगी बीजेपी। जय श्री राम लिखे 10 लाख कार्ड भेजेगी बीजेपी। जय श्री राम के नारे से परेशान ममता बनर्जी की पार्टी की नई रणनीति। फोन कॉल आने पर जय बांग्ला जय हिंद बोलेंगे टीएमसी कार्यकर्ता। चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में हिंसा जारी। मिदनापुर में टीएमसी की बाइक रैली के दौरान बीजेपी दफ्तर पर हमला। बीजेपी के 4 कार्यकर्ता घायल। गृहमंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जाएंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। गृहमंत्री अमित शाह से मिले जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक। घाटी के हालात, अमरनाथ यात्रा की तैयारी और कानून व्यवस्था की जानकारी दी। झारखंड के दुमका में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 1 जवान शहीद, 5 जवान घायल, 2 से 3 नक्सली पकड़े गए। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की तुलना अंग्रेजों के शासन से की, कहा देश की कोई संस्था हमारे साथ नहीं। बीजेपी नेता माधव भंडारी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा हार से सबक सीखने की बजाय खुद कब्र खोद रहे हैं राहुल, 2024 में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। राहुल के अंग्रेजों वाले बयान पर जेडीयू का हमला, श्याम रजक बोले ब्रिटिश राज्य का जुल्म नहीं देखा है इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस संसद में नेता विपक्ष का दावा पेश नहीं करेगी, कहा संख्या बल 2 कम है इसीलिए वो दावा पेश नहीं करेगी। शरद पवार ने कांग्रेस में एनसीपी के विलय की खबर को खारिज किया, पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा नई शिक्षा नीति पर समिति ने ड्राफ्ट तैयार किया, लोगों की प्रतिक्रिया के बाद इसे लागू करेंगे। मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति का तमिलनाडु में विरोध, डीएमके और कांग्रेस ने दक्षिण भारत पर हिंदी थोपने की कोशिश का आरोप लगाया। कमलनाथ सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 30 आईएएस अफसर का तबादला, भोपाल के कलेक्टर को भी हटाया गया। करारी हार के बाद बीएसपी ने मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डीपी चौधरी को हटाया, रमाकांत पिप्पल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। गैंगरेप मामले में पूर्व मंत्री मनोज पारस भेजे गए जेल, जमानत अर्जी पर 4 जून को सुनवाई, दुकान दिलाने के नाम पर गैंगरेप का आरोप। कॉरपोरेट लॉबिस्ट दीपक तलवार केस में पूर्व उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल पर शिकंजा, पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने 6 जून को बुलाया। एनसीपी नेता शरद पवार ने उठाया ईवीएम का मुद्दा, कहा लोकसभा जीतने के लिए बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ये प्रदेश जानबूझकर हारी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया, ट्वीट किया कर्नाटक निगम चुनाव में बैलेट का इस्तेमाल हुआ जहां पर कांग्रेस जीती। ईवीएम पर फिर उठे सवाल पर बीईएल के सीएमडी का बयान, कहा ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के मेहमानों से बदसलूकी, पाकिस्तानी एजेंसियों ने मेहमानों को वापस लाने को कहा, जाने के लिए कहा, भारतीय उच्चायोग के इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे मेहमान। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने किया बेहाल, आज तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है, हफ्ते भर राहत की उम्मीद नहीं। अगले 3 घंटे में यूपी को मिल सकती है गर्मी से निजात, तेज बारिश तूफान की संभावना, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ और बाराबंकी में बारिश।